दोस्तों अभी मैं हूँ जगन्नाथ जी टेम्पल के बाहर, और जो पीछे आप देख रहे हैं जगन्नाथ जी का रथ जो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, 19 तारीख को बनकर तैयार हो जाएगा। और जो पीछे आप देख रही है इनके घोड़े, चाचा घोड़े एक रथ के ऊपर लगते हैं, और 3 रथ होते हैं, सरगुजा देवी का, बालभद्र का और जगन्नाथ जी का। जगन्नाथ जी का रथ हमेशा सबसे पीछे रहता है और बालभद्र का रथ हमेशा सबसे आगे रहता है, और इनकी बहन का जो रथ है वो सबसे बीच में रहता है। तो अपन बात करते हैं पंडित जी से, जो तीनों रथ को बना रहे हैं वो पूरा जो मैनेज करते हैं, कब काम कहाँ करना है, कैसे संभालना है, कैसे तैयार होंगे बनकर, किसे क्या होगा, पूरे मेंटेन जो करते हैं, जो मैनेजमेंट करते हैं, उन पंडित जी से बात करते हैं अपन। और जो यात्रा प्रारंभ से लेकर एंड तक पूरी जो संभालते हैं उनसे बात करते हैं, पूरी जानकारी क्या है, कैसे यात्रा होगी, कब कहाँ जाएंगे, कहाँ कितने दिन रुकेंगे, पूरी जानकारी बात करते हैं अपन पंडित। तो ये अपने पंडित जी, इनसे बात करते हैं। पंडित जी जी, आप कुछ बताइए इसके बारे में, यात्रा के बारे में। रंगनाथ जी, ये रथ यात्रा जब वो होता है ना जी, अक्षय तृतीया से शुरू होता है जी। अक्षय तृतीया तक नीलाद्री विजय तक 2 महीना लगता है, 2 महीना 2.5 महीना लगता है रथ यात्रा खत्म होने। रथ जो बनाते हैं 2 महीना लगता है, इसके बाद 10-12 दिन यात्रा, 15 दिन यात्रा होता है, इसे 2.5 महीना लगता है। ये जगन्नाथ जी का रथ है नंदी घोष जी, इस नाम के नंदी घोष, नंदी घोष, इसमें 16 पहिया होता है जी। ये अक्षय तृतीया से शुरू होता है, 19 तारीख को श्री मंदिर के सामने जाएगा। अच्छा। श्री मंदिर से आज्ञा माला आएगा, पहले जगन्नाथ जी का रथ जाएगा नंदी घोष, इसके बाद तत्वदन रथ जाएगा सुभद्रा माई का, इसके बाद तालमेल जाएगा बलभद्र जी का, तीनों रथ एक साइड में जाएगा। अब 20 तारीख को श्रीगुंडीचा है रथ, श्रीगुंडीचा मंदिर जाएगा, जो को जनकपुरी बोलते हैं हिंदी में, यहाँ पे ऐसे मेन रोड में जाएगा, यहाँ से सिंगा दरवाजा तक गुंडीचा मंदिर 3-3.5 किलोमीटर होता है। अच्छा। मेन रोड में आदमी 4 रस्सी लगेगा, आदमी खींच के लेके जाएगा। तो कितनी जनता आती है मतलब उस दिन यात्रा के दिन? 10-12 लाख 15 लाख लोग होता है उस दिन, इस दिन गुंडीचा दिन। और सबसे आगे रथ कौन सा होता है? 7 दिन मंदिर में रुकेगा ठाकुर, वहाँ 7 दिन रुकेगा, वो गोरंगना होगा, यहाँ जो जैसे होता है। अच्छा। यहाँ ऐसे होगा, और 2 दिन जाना आना लगेगा, ये 9 दिन यात्रा है, 9 दिन यात्रा। अच्छा, तो 20 तारीख को यहाँ से निकलेगा तो वहाँ 21 तारीख को पहुँचेगा अपने गुंडीचा टेम्पल। हाँ, गुंडीचा टेम्पल पहुँच जाएगा 20 तारीख को, 20 तारीख शाम तक, शाम तक पहुँच जाएगा। अच्छा, तो यात्रा कब स्टार्ट होगी, टाइम क्या है यहाँ का? उसके बाद 21 तारीख को भगवान जी मंदिर में चले जाएंगे। अच्छा, गुंडीचा टेम्पल, गुंडीचा टेम्पल जाएंगे, यहाँ सिंहासन है, यहाँ विराजमान करेंगे, इसका बहु नीति है, नीति खत्म होने से भोग होगा, भोग रन्ना होगा, भोग लगेगा, पब्लिक भोग खाएंगे, बाजार में यहाँ पे जिन आनंद बाजार है वहाँ पे से आनंद बाजार है, महाप्रसाद सब बिक्री होगा। अच्छा। पब्लिक लोग सब लेंगे, भोग खाएंगे, भोग घर में लेंगे, विभिन्न प्रकार का यात्रा होगा यहाँ पे। तो 20 तारीख को ये यात्रा कब स्टार्ट होगी, टाइम क्या, मतलब दिन को कब ये यात्रा स्टार्ट हो जाएगी यात्रा? 20 तारीख को 3-3:30 बजे रात चलेगा, सभी सभी स्टार्ट होगा। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये यहाँ के मुख्य पंडित जी थे जिनसे अपने बात की और पूरी जानकारी ली, कैसे क्या यात्रा होगी, कब प्रारंभ होगी, कब जाएंगे, कहाँ रुकेंगे, 7 दिन तक गुंडीचा टेम्पल रुकेंगे, पूरी जानकारी यहाँ की थी। ये जो पंडित जी थे ये तीनों रथ संभालते हैं, यानी तीनों रथ कब तक बन के तैयार होंगे, कब बन रहे, क्या काम चल रहा है, कौन लोग क्या काम कर रहे हैं, पूरी जानकारी इनके पास में होती है, ये यहाँ के मुख्य होते हैं। तो इनसे बात की अपन ने और काफ़ी अच्छा लगा। एक बार इनके लिए एक लाइक जरूर करें, इनकी मेहनत के लिए, जो फ्री में सेवा देते हैं और इतनी मेहनत करके तीनों रथ बनाते हैं, वो पूरी यात्रा को सफल बनाने में मदद करते हैं।